आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। करीब सप्ताह भर से हड़ताल पर बैठी नर्सों को मनाने आज जिला अस्पताल के सिविल सर्जन के नेतृत्व में डॉक्टरों का दल धरनास्थल पर पहुंचा और नर्सों को मनाने की कोशिश की। चिकित्सकों ने नर्सों से हड़ताल वापस कर काम पर आने की गुजारिश की। चिकित्सकों का कहना था कि आपके न होने से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं, इसलिए आप लोग काम पर वापस आएं, पर नर्स काम पर वापस आने के लिए तैयार नहीं है। नर्सों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती वे काम पर वापस नहीं आएंगी, लेकिन हम में मानवता है, इसलिए हमने अपने कुछ साथियों को काम पर लगा रखा है जिससे आमजन को परेशानी न हो, लेकिन सरकार हमारी बातें न समझते हुए हट धर्मता अपनाई हुई है। सरकार को लगता है कि स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही है तो हमारी मांगे मान ले, हम काम पर वापस आ जाएंगे। चलो चले मणि आज ना जी, वो हम लोग को मनाने आए था कि आप लोग हॉस्पिटल चलिए, मरीज काफी परेशान हो रहे हैं। पर हम लोग का ये निर्णय है, यदि सरकार हमारी पूरी बहनों की मांग सुन लेती है तो हम लोग चले जाएंगे। और हमको लिखित में चाहिए, सिर्फ आश्वासन नहीं चाहिए, लिखित में चाहिए, तो हम सब जाने को तैयार है। जो जो हमारी मांगे है उसे पूरा कर दीजिए। नहीं मानेंगे तो हम लोग डटे रहेंगे, अपने इसमें हौसले में बुलंद रहेंगे। जैसे लक्ष्य को पाना है उस लक्ष्य के लिए हम लोग डटे रहेंगे इधर पे। हाँ, अगर इमरजेंसी आता है तो एक मानवता के आधार में हम लोग जाके उनको अटेंड कर सकते। कोई भी क्राइसिस हो, जैसा भूकंप आ जाए या फिर बस एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, तो हम लोग जाने को तैयार है। हाँ जी जी, अभी तो नहीं आए हैं। हाँ, दो मतलब अभी पॉजिटिव केस आए हैं। हमारी बहनें फिर भी वहाँ ड्यूटी कर रही है, जिसको हम लोग छोड़ चुके हैं आधे लोग को, तो उन लोग ड्यूटी कर रहे हैं। बाकी जितने हैं यहाँ पर अपने इसमें धरने में बैठे हैं हड़ताल में। जी जी हाँ, क्योंकि देखिए हम लोग ने पूरे ने 2 साल तक बिना मुंह खोले ड्यूटी करे। हमारी बहनों ने भी अपनों को खोया है, हैं बहनों को खोया, और मिस्टर लोग को भी तक खोए हैं, कोरोना पॉजिटिव हुए, उसके बाद भी 2 साल तक गवर्नमेंट से कुछ नहीं बोले। जब अभी कुछ नहीं है तब गवर्नमेंट को सुनना चाहिए हम लोग सब बहनों का। 2 साल से आपने ना डीए दिया ना इंक्रीमेंट दिया, हम लोग कुछ नहीं बोले कि चलो जान दो अब, मतलब बहुत कठिनाई है, समय कठिन है बोल के। पर अब तो गवर्नमेंट को मानना चाहिए सबकी बात को, पुरानी पेंशन योजना लागू करे और नर्सेस जो मांग रही है उसकी डिमांड पूरा किया जाए। मेरा नाम श्रीमती निर्मला रिछारिया। एक्चुअली में क्या है कि जो स्टाफ नर्सेस एसोसिएशन है वो पूर्व से उनकी 12 सूत्रीय मांगे हैं शासन से, और उनको लेके उन्होंने एक दो बार शासन से रिक्वेस्ट भी की गई है, लेकिन मांगे पूर्ण नहीं हुई हैं। तो वो 28 तारीख को उन्होंने सांकेतिक हड़ताल की थी और 30 तारीख से अनिश्चितकालीन लगातार हड़ताल पर हैं। तो आज जो है हम डॉक्टर्स लोगों की यूनियन ने वहाँ जाकर उनको बोला कि भाई वो अपनी हड़ताल को वापस लें, हमारा सहयोग करें, अस्पताल में उनके कार्य न करने से व्यवस्थाएं प्रभावित हो रही हैं और मरीजों को इलाज, संपूर्ण इलाज देने में असुविधा हो रही है। इसी संदर्भ में हमारे डॉक्टर्स एसोसिएशन की यूनियन वहां पर गई और उनको जूस पान करवाया गया और उनसे ये बोला गया कि आपकी मांगें शासन द्वारा पूर्ण की जाएंगी और उनकी चर्चाएँ भी चलें। उनके प्रांतीय अध्यक्ष हैं, वो हमारे ACS साहब हैं, उनसे आज चर्चा होने वाली है और उनकी मांगों में जितना भी शासन उचित समझेगा, मांगें पूर्ण करेगा या कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट करेगा या उसमें कुछ सुधार लाते हुए उनके मानदेय वगैरह जो भी हैं मांगें उसमें वृद्धि की जाएगी। और हमारा उनसे ये निवेदन था कि आप हड़ताल को हड़ताल पे ना रहें
और अस्पताल में आके कार्य करें, जिससे अस्पताल में आने वाले मरीजों को सुविधाएं मिले और उनका इलाज पूर्ण रूप से हो सके। इस बारे में नर्सों को क्या कहेंगे? हाँ, उनका ये कहना था कि वो उनके जो प्रांतीय अध्यक्ष हैं यूनियन के, उनके निर्देशानुसार ही वो हड़ताल बंद करेंगे और वापस काम पे आएंगे। उनके प्रांतीय अध्यक्ष आज चर्चा कर रहे हैं और जो भी निर्णय होगा शाम तक पता चल जाएगा, उसके आधार पे ही वो निर्णय लेंगे कि हड़ताल से वापस कार्य पे आना है कि हड़ताल को जारी रखना है।